आजकल लोगों का और मौसम का कुछ पता नहीं चलता कब बदल जाए, और स्पेशली मुल्तान का मौसम हो तो सब ने तकरीबन ये स्टेटस लगा लिए थे कि गर्मियां आ चुकी हैं और सर्दियां जा चुकी हैं, जबकि मुल्तान का मौसम पिछले दो दिनों से बल्कि तीन चार दिनों से इतना हसीन हुआ हुआ है। आज तो संडे है तो सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए, तो अभी टाइम है सुबह नाश्ते का तो सोचा नाश्ता करने चलें। रात भी अंधेरी आई है तो कपड़ा इस तरह बड़ा हुआ था यहाँ, और ये गाड़ी का हशर देर वाला कि मैंने इसे वाश करा के खड़ी की थी। मुझे पता था तुम लोगों ने नहीं पहुंचना। पहुंचा यार, पहुंचा। फिर यहाँ तो नॉर्मल रूटीन में भी इतना रश होता है, आज तो फिर वैसे संडे है, हर जगह रश ही रश है। ये क्या हाल चाल है? खैर है, नाश्ता करने आया है भाई? जगह नहीं है, मुड़ जाओ। मसा जगह मिली है आपको ले आ नाश्ते के लिए? बस यहाँ पे ऐसे होता है। कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे होता है। आलू वाले पराठे, दो आलू पराठे और एक आलू अंडे वाला पराठा, एक आलू अंडा वाला और रोज सादे एक, दो आलू वाले उसमें अंडा एक लगा, मिंट लाओ साथ। फाइनली भाई, घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारा नाश्ता आ गया है। नाश्ते में अचार है, मक्खन शक्कर है और चने, ये पराठे हैं, ये तंदूरी पराठे हैं, ये वाले आलू वाले पराठे हैं जो कि ये शौक से खाता है, और ये आलू वाला पराठा और साथ ऊपर अंडा लगा हुआ है। इसका नाश्ता आलू वाले पराठे के बगैर होता ही नहीं है कभी। फाइनली भाई नाश्ता डन। रिव्यूज दो भाई। नाश्ता बड़े मजे का था। ये कैसे रिव्यूज हैं? ज्यादा ही तीखा हो गया आज। जलन हो रही है। ओए होए होए। अभी हम वापस जाने लगे हैं और रश अभी भी वैसे ही है, बल्कि और ज्यादा हो गया है। पर ये तकरीबन कितने बजे तक चलता है नाश्ता यहाँ पे? 3 बजे तक। तो भाई मैं तो आ गया हूँ अभी वापस अपने डिज्नीलैंड में। दिस इज माई डिज्नीलैंड। ये एक किस्म का मेरा डिज्नीलैंड ही है। तो अगर आप भी कभी जाएँ ना रशीदाबाद, बल्कि आप जब भी मुल्तान आए, अगर तो मुल्तान से नहीं है तो रशीदाबाद वाले इस स्टॉल पर आपने लस्सी, उनकी मिस्सी रोटी आपने ज़रूर ट्राई। बाकी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स थे लेकिन जो मोस्ट फेमस स्पोर्ट था वो यही था। गलती मुझसे ये हुई है कि मैं डीजल को नहीं ले गया साथ, तो ये अभी मुझसे नाराज़ है थोड़ी सी। क्यों भाई? यार अगली बार जाऊँगा ना तुझे साथ ले कर जाऊँगा। डीजल इधर तो देख, इधर तो देख।